यहाँ देखिए वर्ग और बारे में बता दीजिए, इसका माध और हमें प्रसरण निकालना है। चलिए तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, दो यहाँ दो चार, ठीक है, और फिर यहाँ ये तीन सात। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम है। तो हम लोग क्या क्या लेंगे यहाँ पर, ये वर्ग क्लास इंटरवल जो दिए हैं, यहाँ बारंबारताएं दी हुई है, और फिर यहाँ एक्स आई निकालेंगे। चलिए इन सबको पहले लिख लेते हैं, जीरो से दस, दस से बीस, बीस से तीस, तीस से चालीस, चालीस से पचास, और एफ आई के मान यहाँ पर देखिए बारंबारताएं पाँच, आठ, पंद्रह, सोलह, छः। चलिए अब एक्स आई, तो इसके मध्य का मान होता है ना, जोड़ के दो से भाग दिया जाता है, पाँच, पंद्रह, पच्चीस, पैंतीस, पैंतालीस। फिर अब इसके बाद तो हम लोग यहाँ यू आई निकालेंगे, वो क्या होता है, यहाँ स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं, एक्स आई माइनस ए बटा में एच। तो यहाँ एच का मान आपका दस है, वर्ग ऊंचाई है वर्ग मान, ए का मान यहाँ क्या होगा, तो ए का मान हम लोग ये जो वर्ग चिन्ह देख रहे हैं इसके मध्य का मान पच्चीस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे निकालते हैं, तो पाँच में से पच्चीस को घटा देंगे, माइनस बीस, और दस से भाग करेंगे तो माइनस दो हो जाएगा, यहाँ माइनस एक आ जाएगा, फिर यहाँ जीरो एक दो। चलिए अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, तो इसके बाद हमें निकालना होगा एफ आई यू आई, तभी ना हम लोग यहाँ पर माध्य निकाल पाएंगे। तो चलिए यहाँ माइनस का दस, माइनस का आठ, जीरो, सोलह और बारह, यही ना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग पहले माध्य निकाल लेते हैं, इन सबको जोड़ देंगे। तो ये देखिए माइनस अट्ठारह और ये तीस, तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, माइनस का अट्ठारह, और यहाँ अट्ठाईस ना होगा, तीस बोल रहा हूँ मैं, अट्ठाईस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, दस, ठीक है। चलिए तो ये दस हो जाएगा, और ये एफ आई को सबको जोड़ लेते हैं, पचास आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग माध्य निकाल लेते हैं, तो माध्य इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई और बटा में सिग्मा एफ आई और इंटू में आपका एच। तो ए का मान है यहाँ पर पच्चीस, इसका मान है ऊपर दस, और नीचे है आपका पचास, और गुना एच का मान है दस। देखिए एक जीरो पाँच से इसको काट देंगे दो बार में, तो यहाँ सत्ताईस ना आ जाएगा माध्य, तो माध्य सत्ताईस आ गया। अब हमें हमें निकालना है यहाँ पे वेरियंस ना जी, प्रसरण। तो प्रसरण निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है जी, तो प्रसरण निकालने के लिए वही एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ब्रैकेट में एन इंटू में सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन एफ आई यू आई का स्क्वायर, फिर माइनस सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन एफ आई यू आई का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे यू आई का स्क्वायर करना होगा, और फिर यहाँ एफ आई यू आई स्क्वायर निकालना होगा, यहाँ जरूरत पड़ेगा हमें। तो चलिए यू आई के स्क्वायर की बात करेंगे, यानी इनका स्क्वायर करेंगे, चार एक जीरो एक चार, फिर इसमें हम लोग एफ आई वाले से गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए बीस, आठ, जीरो, सोलह, चौबीस, ठीक है, इन सबको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, अड़सठ आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद इसमें हम लोग रख देते हैं फॉर्मूले में एच स्क्वायर, तो एच का वैल्यू कितना था, दस ना, तो दस का स्क्वायर बाई एन स्क्वायर यानी पचास का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर इसका, तो इसका सम आया है, और एन का वैल्यू है हमारे पास, एन का वैल्यू है पचास और इसका सम आया है अड़सठ, ठीक है, माइनस इसका मान क्या है, तो इसका मान है आपका सिग्मा एफ आई यू का दस ना, तो दस का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए ना सौ बटा में पच्चीस सौ, और अंदर क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो चौंतीस सौ माइनस का सौ, दो जीरो से दो जीरो गया, एक बटा पच्चीस और गुना में यहाँ पर तैंतीस सौ, ठीक है। तो इसको हम लोग इससे काट सकते हैं पच्चीस से, कितना बार में कट जाएगा, तो एक सौ बत्तीस बार में कट जाएगा, तो ये आपका प्रसरण हो जाएगा एक सौ बत्तीस, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा,
पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।